दिव्य है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। धर्म के विषय में हम अवधारणा क्या बनाएं, धर्म को हम किस रूप में स्वीकार करें। हम सुनते हैं धर्म सुख देने वाला है, सामने वाला कहता है कब देगा सुख, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, इस भाव में देगा, इस भाव में नहीं देगा तो कब देगा, दूसरे भाव में देगा। भरोसा, भरोसा क्या है? यदि आप भरोसा नहीं दोगे तो इस प्रकार आप प्रतिदिन धर्म की बात कर रहे हैं, एक दिन आप फेल हो जाओगे, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो हम कहते भैया मेरे पास कोई नहीं आएगा तो नहीं सही, हमने तो बात कहनी थी तो कह दी, किंतु उनके मन में तो ये बात रहेगी, महाराज जी ने कई बार ये कहा था विश्वास रखो विश्वास रखो। तो क्या भरोसा, तो ये धारणा क्या बनाए हम बताओ, कल देगा फल धर्म, कब देगा, मन में उठते तो होंगे, शंका नहीं उठती आपको हैं? अच्छों अच्छों को उठती है किंतु कह नहीं पाते। हमने सोचा इन लोगों के दर्द से स्वयं हम ही कह दे तो और अच्छा। अब हम ये कहना चाहते हैं धर्म का क्या स्वरूप है, केवल सुनने में ही धर्म आता है या और कुछ में आता है? हाँ, धर्म सजीव भावात्मक एक अनुभूति है जिसको इसके ऊपर संधान होता वो ऐसा करता है। एक व्यक्ति धर्म की व्याख्या खूब अच्छे ढंग से करता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, आदि से लेकर के अंत तक, बाहर में भीतर में, ऐसे वह जमा करके स्वरूप प्रस्तुत करता है, सामने वाला व्यक्ति झकझोर होकर के एक बार स्वीकार कर ही लेता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, ये होता है, किंतु यही तक सीमित है, यही तक सीमित है क्या? सीमित तो नहीं, असीम भी हो सकता, लेकिन कोई स्वाद में नहीं आता है तो बात को समझ में नहीं आती। गुड़ की बात आप कर रहे हो, मीठा होता है, उसका सेवन करने के उपरांत और ये फल मिलते हैं, ये फल मिलते हैं, अनेक प्रकार के रोगों का निष्कासन हो जाता है, नहीं समझे? ऐसे बुद्धि में भी अपने अनेक प्रकार के बातें बहुत अच्छी आती, लेकिन जो व्याख्या करने वाला व्यक्ति उसका कभी भी एक बार भी स्वाद नहीं लिया हो तो क्या होगा, हमें बताओ। और जिसने स्वाद नहीं लिया और वो या व्याख्या नहीं कर रहा हो तो उसको कैसे आप समझोगे, मुझे बताओ। जिसकी अनुभूति तो है, लेकिन अब अनुभूति भीतर हो रही क्या नहीं ये कैसे बता। तो हम बताना चाहते हैं, एक गुड़ की व्याख्या करने वाला है और एक व्यक्ति, एक सारी सभा
गुण की व्याख्या को सुनने वाले में मगन है। और एक व्यक्ति गुण का स्वाद लेने वाला है, नहीं समझे, किंतु व्याख्या करने वाला नहीं। तो वह व्याख्या करने वाला पूछा कि क्यों, आपको कैसा लगा है हमारा प्रवचन, बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने से गुड़ का स्वाद आ रहा है क्या? नहीं है ना। तो अच्छा अच्छा तो हमेशा आप कहते हो और तालियां भी खूब बजाते रहते हो, इसका हम निर्णय ले ले अच्छा है। हम आपके बारे में जो भीतर घटित हो रहा है उसके बारे में हम क्या समझें, इन लोगों को स्वाद आ रहा है क्या नहीं। तो एक व्यक्ति बैठा है वहीं पर, वो सुन तो रहा है और गुड़ भी खा रहा, नहीं समझे, लेकिन कह नहीं पा रहा, नहीं समझे। तो ऐसे व्यक्ति भी है सभा में जो वर्तमान में सुनते ही खाने लग जाते हो धर्म को, उनको स्वाद आने लग जाता है। तो ये है गूंगे के गुड़ के स्वाद की भांति बोलते हैं, गूंगा है, व्याख्याता नहीं, गूंगा है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पूछो नहीं, हम बोल नहीं सकते। जब खाते हैं उस समय व्याख्या नहीं होती, हाँ, आंखें बंद कर लो और स्वाद लेते जाओ। ऐसा कुछ हो रहा है क्या नहीं, बताओ, हो रहा? आपके कहने से हम भरोसा रख ले, हाँ। तो हमें आप लोगों के बारे में भी तो विचार करना पड़ता है ना, हाँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दे दिया, ये समझे, तो ये समय तो हम भी दे रहे हैं, तो आपको कुछ हलचल हो रही क्या नहीं, हो रही है। महाराज गूंगे के गुड़ के स्वाद की भांति है ये, इसलिए जो कुछ भी प्रवचन आदि हैं वह ऊपर के हैं, किंतु भीतर तक यदि नहीं जाता वो, तो उसका एकमात्र संबंध श्रवण तक ही रह जाता है, स्वाद तक नहीं आता। और स्वाद जब लेता है उस समय श्रवण भी छूट जाता है और प्रस्तुतिकरण भी छूट जाता, क्योंकि स्वाद लेने वाली जुब्वा वही भी काम कर रही है, वो बोलने वाले भी जुब्वा है, नहीं समझे। एक जीव दो काम तो कर सकते, लेकिन एक साथ दो काम का नहीं कर सकते, सुन रहे हो कि नहीं, हाँ। तो जीव जिस समय बोलती है वक्तृत्व कला भी जीव में है, नहीं समझे, और वह स्वाद भी लेती है, जिस समय स्वाद लेती है उस समय को वह बोल न करके यह उसकी अभिव्यक्ति है, नहीं समझे। मतलब भीतर जो घटता है उसके अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते, इसीलिए धर्म का इतना ही मात्र स्वरूप नहीं रखना। आजकल के प्रदर्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और वो कुछ भर रहा है, नहीं समझे। वो क्या भर रहा है, वो सबको दिखाएगा, कब सबको सुनाएगा, बताते हैं। मतलब यहाँ का संबंध अब बहुत दूर दूर से हो गया है, तो इसलिए तो हमें ये बताना आवश्यक है। एक व्यक्ति को आपने नियुक्त किया होगा, वो सुनता रहता है कि सुनाता, सुनाने के लिए प्रबंध कर रहा है, पता नहीं लगता। अब उनका न गुड़ का स्वाद आ रहा है, न सुनने का स्वाद आ रहा है, नहीं समझे, वो केवल भरने का स्वाद आ रहा, भरना, टेप लगा रहा। तो इसलिए
हमने आज ये सोचा कि आप लोगों का भरोसा भले श्रवण सुनने के ऊपर है, लेकिन स्वाद जो आता है उसकी व्याख्या नहीं की जाती, किंतु वह व्याख्या से ऊपर की बात है। जो व्यक्ति सुन तो रहा बोल नहीं रहा, ऐसे तिरंच व्यक्ति भी धर्मात्मा कहलाते हैं, ये आप लोगों को याद रहे। वीडियो कैसेट सुनने वाले और देखने वालों, इसलिए तिरंचों के धर्म के अनुष्ठान के बारे में आप वीडियो कैसेट कैसे बनाओगे ये पूछताछ कर लेना। उसके ऊपर भरोसा यदि आप लोगों का नहीं रहेगा तो हम कैसे कहें कि आप लोगों को स्वाद आ रहा है। हाँ, इसलिए व्याख्या को ही ज़्यादा महत्व मत दो, पठन पाठन को ही ज़्यादा महत्व न दो, किंतु धर्म एक सजीव घटना है। वह कल थी क्या नहीं हमें मालूम नहीं, परसों होगी क्या नहीं यह हमें मालूम नहीं, वर्तमान में यदि धर्म का कुछ आचरण आपके जीवन में है तो पक्का है आपका वह धर्म जीवित अवस्था में है, और इसको आगे भी जीवित रखने का आप प्रयास पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बाकी जितने भी साधन हैं ये उसके साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, किंतु स्वाद के साथ ही उस गुण का संबंध घनिष्ठ है। बाकी हाथ में लेकर के भी रखोगे तो गुड़ का स्वाद हाथ को नहीं आता और बगल को नहीं आता, ध्यान रखो। हाँ, किंतु वह आएगा तो केवल जीवा के माध्यम से आएगा, और जीव को उस समय कुछ कहो नहीं, वैसे जीव सुनती है ही नहीं। जीव तो न सुनाती है न सुनती है, किंतु किसी की बात सुनकर न सुन करके स्वाद अवश्य चखती रहती है। ऐसे ही आप लोगों का भी जीवन बने इन्हीं भावों के साथ। यह धर्म का छोटा सा वक्तव्य आपके सामने रखा। अब गुण याद रखेंगे और आप पूछताछ करेंगे कि क्यों भैया स्वाद कुछ आ रहा है क्या नहीं है। आ तो रहा, कई लोग कहते हैं स्वाद तो खटमिट आ रहा है, खटमिट आ रहा है, तो खटमिट खट्टा भी और मीठा भी मिला हुआ होगा, उसी का स्वाद आएगा। जो व्यक्ति राग तो राग में डूबा हुआ हो और वीतरागता की बात करता हो तो उसको तो हम क्या कहें, नहीं समझे, खटमिट है ही नहीं। वीतरागता तो वीतरागता है, वो एक स्वाद आता है। धर्म में दो स्वाद नहीं आना चाहिए, इतना ही तात्पर्य है और पर्याप्त है इसके लिए, ठीक है ना। ज़्यादा भी स्वाद लेने से गड़बड़ होता, अनुपात से स्वाद लोगे तो वह स्वाद स्वाद होता है, नहीं तो अनुपात से बाहर यदि स्वाद लोगे तो फिर तो वह भूसा जैसा हो जाता है। भूसा समझते हो, जिसमें कोई धान नहीं रहता। हाँ, चर्वण के साथ ही उसका स्वाद रहता है, केवल भक्षण करने से स्वाद नहीं आता, ये तात्पर्य है। अहिंसा परमो धर्म।